नमस्कार दोस्तों, मैं रुकुम अत्री। आज आपको बहुत ही एक सुंदर सा प्लांट है, मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट, जिसको नीलकंठ का पौधा भी कहा जाता है। जब इस कलर का होता है ये वाला, तो हम इसको नीलकंठ का पौधा भी कहते हैं। और इसकी साइंटिफिक नेम जो है वो एपोमियांग पुलपुरिया है। ये जो है कई फूलों में, कई रंगों में मिलता है, येलो, वाइट, रेड, ब्लू, वायलेट, परंतु अधिकतर ये इसी कलर का जो है गार्डन में और बहुतायत की मात्रा में ये पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके फ्लावर ये तुरई के आकार के और चमकीले होते हैं, ये देखिए आप, और इसमें चमक होती है और हल्की सी खुशबू भी होती है। इसलिए इसको गार्डन में उगाना चाहिए, क्योंकि इससे दो फायदे हैं। पहला तो ये है कि सुंदरता बढ़ती है। इस कलर के फूल जो है बहुत कम होते हैं, तो हमारे घर में जो है रेड कलर के, येलो कलर के फूल मिल जाते हैं, पर ब्लू कलर के फूल जो है ज़्यादातर अपराजिता और मॉर्निंग ग्लोरी में ही होता है। इसलिए गार्डन में इस कलर के फूल भी होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए एक फ़ायदा है, सुंदरता बढ़ती है गार्डन की। दूसरा, परागण की क्रिया, पोलिनेशन की क्रिया बहुत अच्छी होती है, क्योंकि खुशबू के कारण इसमें तितली और दूसरे चिड़िया जो हैं वो इसके पास आकर्षित होते हैं, और ये पोलिनेशन की क्रिया में सहायक करते हैं, जिससे कि फलों का निर्माण होता है। इस प्लांट को कैसे उगाते हैं? अभी फरवरी मार्च का इसका मौसम होता है उगाने का, तो अभी इसी मौसम में आप लगा सकते हैं, या तो नर्सरी से पौध ले आएँ, और या इसको हम बीज से भी उगा सकते हैं। तो कोई अच्छी सी शॉप होती है, उससे आप बीज ले आइए और उसको लगा दीजिए। और तीसरा, कटिंग से लगाते हैं। कटिंग से लगाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ी सी मोटी ब्रांच होनी चाहिए, ना पतली ना मोटी, बीज की ब्रांच। उसको 8 इंच की ब्रांच या 10 इंच की ब्रांच ले लेंगे, 2-3 ब्रांच को, और बरसात के दिनों में हम गमले में लगा देंगे। बस उसमें से एक आध ब्रांच तो उगी जाती है। मैंने जो ये बनाया है प्लांट, ये वाला प्लांट मेरा कटिंग से लगा हुआ है, और कटिंग से लगाए हुआ पौधे में सीज़न पर अगले सीज़न में ही फूल आ जाते हैं, और पौध वाले में थोड़ा टाइम लगता है। कैसे उगाते हैं? इसको उगाने के लिए बीज को हम, ये गमला है जो, इसमें गमले में बीज डालने के लिए हमको कोई भी पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। खाली मिट्टी में ही हम बीजों को थोड़ी दूरी पर लगा देंगे, 8-10 इंच की दूरी पर 2-4 बीज डाल देंगे, और उसके बाद जब वो 20-25 दिन हो जाते हैं तो उसमें से पौध निकल आती है, और उस पौध को हम फिर नए गमले में, जैसे ये 10x10 का गमला है, एक गमला ले लेंगे, और उसमें आधा गमले को हम 50% गार्डन सॉइल, 25% रेत, और 25% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद को लेकर एक मिक्सचर बनाएंगे। उसमें नीम की खली का पाउडर भी डाल देंगे, जिससे कि कोई कीड़े वीड़े मिट्टी में ना हो तो मर जाए। और उसके बाद हम उस पौध को आधा भरने के बाद उसमें जो पौध तैयार हुई है, जर्मिनेशन हुआ है, जो सीड, उसको हम इसमें लगा देंगे और मिट्टी से फूल भर देंगे। मिट्टी से भरने के बाद उसमें पानी डाल देंगे और 10 से 15 दिन छाया में रखेंगे। यदि वो प्लांट जिंदा रहता है और उसमें नई पत्ती आने लगती है, तो हम उसको धूप में रख देंगे। इस तरह हम इसको उगा लेते हैं। और इसको उगाते समय हमें देखभाल के लिए 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ये निकासी सही होना चाहिए गमले की। दूसरा, इसमें ज़्यादा पानी नहीं भरना है। तीसरा, फुल इसको सनलाइट में ही रखना है। और चौथा, इसकी कटिंग करते रहना है। यदि हमको झाड़ी का रूप देना है तो कटिंग करते रहना है, वरना इसको बेल के रूप में हम सीधा का सीधा चढ़ा लेंगे। तो इस तरह हम इसको, इसकी केयर करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लावर होगा। फ्लावर का जो मौसम है ये सितंबर तक रहता है। देखिए मेरा पौधा ये देखिएगा, ये छोटी छोटी सी कलियां निकल रही हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।